हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइट टेक रिव्यूज। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ इस बेल आइकन पे क्लिक करें और सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद इसे आप सेव कर दें ताकि आप देख पाए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइट टेक रिव्यूज। और आज हमारे पास है एक बाइसिकल लाइट जिसका मॉडल नंबर है BX2। इसके अलावा बात करें तो इसके कुछ फीचर्स ऊपर बताए गए हैं, जैसे कि बिल्ट इन बैटरी इसमें है और USB चार्जिंग इसमें आपको दी गई है। 3 स्विच करने के लिए आपको मोड मिलते हैं। नीचे आप देख सकते हैं लिखा गया है माइक्रो USB चार्जिंग। राइट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ इसका मॉडल नंबर लिखा गया है और इसके अलावा मटेरियल बताया गया है, एल्युमिनियम अलॉय बॉडी से बना है ये। इसमें आपको 3 से 6 घंटे का कंटिन्यू यूसेज टाइम मिल जाता है। इसके अलावा 124 ग्राम इसका वेट है। USB चार्जिंग इसमें दी गई है, बहुत सारी डिटेल्स यहाँ लिखी गई हैं। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके कुछ की फीचर्स यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि ये वाटरप्रूफ है। चलिए दोस्तों, इसको फटाफट से ओपन करते हैं और देखते हैं ये लाइट किस तरीके से काम करती है और देखने में कैसी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हमने अनबॉक्स कर लिया है और काफ़ी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी का ये जो लाइट है आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें बॉक्स में, तो बॉक्स में हमें ये लाइट देखने को मिलती है जिसकी अगर वेट की बात करें तो लगभग 124 ग्राम का इसका वेट है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ LED देखने को मिल जाती है। राइट और लेफ्ट दोनों ही तरफ इस तरीके का डिज़ाइन दिया गया है ताकि ये स्लिप ना हो और जब भी आप इसको यूज़ करना चाहें आसानी से इसको अपने बाइसाइकिल पे फिट कर सके। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको बाइसाइकिल पे फिट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है जिसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अगर चार्जिंग की बात करें तो कम से कम 4 घंटे का टाइम लेता है ये चार्ज होने के लिए और इसके बाद आपको कंटिन्यू यूसेज पे 3 से 6 घंटे का रन टाइम देता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपको एक माइक्रो USB केबल दी गई है बॉक्स में जिसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं। मेन अटैचमेंट की अगर हम बात करें तो ये अटैचमेंट है जिसके थ्रू आप इसको अपने साइकिल पे फिक्स कर सकते हैं कुछ इस तरीके से और उसके बाद सिंपली ऐसे स्लाइड करके आप इसको अपने साइकिल पे लगा सकते हैं। और ऊपर की तरफ यहाँ बटन दिया गया है जिसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए आप, मैं इस वीडियो के आखिर में इसको अपनी बाइसाइकिल पे इसको फिक्स करके आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको इजीली कैसे फिक्स कर सकते हैं अपने बाइसाइकिल पे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इसको हम साइड रखते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रोडक्ट को। दोस्तों, अगले प्रोडक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं NQY ये जो ब्रांड है और इसकी बात करें तो ये है एक टेल लाइट। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इसको टेल लाइट कह सकते हैं या फिर इंडिकेटर कह सकते हैं। ये काफ़ी अलग अलग तरीके से आप इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल मोड दिए गए हैं। पीछे की तरफ कुछ डिटेल्स दी गई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि आप इसको कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसके मोड को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अनबॉक्स करते हैं, ओपन करते हैं और देखते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको हमने अनबॉक्स कर लिया है और अगर बात करें LED की तो इसमें आपको 64 LED देखने को मिलती हैं जो कि सिंगल कलर है यानी कि रेड कलर की हैं। नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है एक लेज़र लाइट, एक LED लाइट है जो कि पीछे की बात करें तो यहाँ क्लिप दिया गया है इसको अपनी सीट के नीचे माउंट करने के लिए। इसके अलावा एक माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है चार्ज करने के लिए। तो इसमें आपको कोई बैटरी नहीं लगानी है, बार बार चेंज नहीं करनी है, बस आप इसको रिचार्ज कीजिए और इजीली यूज़ कीजिए। इसके अलावा एक क्लिप देखने को मिलता है जिसको आप अपनी बाइसाइकिल के सीट के नीचे लगाने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्लाइड करके जो है इसको भी लगा सकते हैं अपनी सीट के नीचे। ये भी मैं आपको आगे वीडियो में इसको अटैच करके दिखाने वाला हूँ बाइसाइकिल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं सीट के नीचे लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आता है और लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पे आपको इसका ऑन ऑफ बटन मिलता है, इसी से आप मोड भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही ये सेंस करता है कि ये राइट की तरफ है तो राइट का एरो शो करता है और लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट का एरो शो करता है।
और अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो कुछ इस तरीके की लाइट ब्लिंक होगी। तो दोस्तों इसके बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूं तो लगभग 650 रुपये में मैंने इसको ख़रीदा है, और उसके हिसाब से अगर उसके प्राइस टू परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो आपके लिए मस्ट बाई गैजेट है ये, और कुछ इस तरीके के एनिमेशंस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे जब आप बाइसाइकिल चलाएंगे, तो पीछे से आने वाले व्हीकल्स के लिए ये एक तरीके से इंडिकेटर का भी काम करता है। और इसके अलावा अगर आप नाइट में साइकिलिंग करते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं फटाफट से ये दोनों चीज़ें आपको साइकिल पे कैसे अटैच करनी है वो बताता हूँ, और अटैच करने के बाद आप इसको कैसे इजीली यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। सो दोस्तों, ये है मेरी बाइसिकल और मैं इस पर इसको फिक्स कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ईजी है इसको फिक्स करना, बस एक स्क्रू आपको यहाँ से अटैच करना है इसको अपने राइट या लेफ्ट, जहाँ भी आप इसको लगाना चाहें इजिली लगा सकते हैं, और काफ़ी सिंपल है इसको लगाना। जैसे कि मैंने अटैच कर लिया है, अब मैं इसके ऊपर जो है इसकी लाइट जो है अटैच करके आपको दिखाता हूँ। ये लाइट है और पीछे दिए गए क्लिप के अकॉर्डिंग इसको आप जो है लगा सकते हैं। आगे की तरफ से आपको पीछे की तरफ इसको स्लाइड करना है इस बटन को प्रेस करके, और ये बस काफ़ी ईजी तरीके से यहाँ आके लग जाएगा। और आप इसको जो है इस तरीके से लाइट के तीन मोड्स में से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी बाइसिकल को कहीं पब्लिक पार्किंग में अगर पार्क करते हैं तो आप इजीली इसको इस तरीके से निकाल के अपने साथ ले जा सकते हैं, ताकि ये चोरी ना हो या फिर कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे। सो दोस्तों, देखा आपने कितने ईजी तरीके से इसको आप फिक्स कर सकते हैं और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको निकाल के अपने साथ भी ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने दूसरे गैजेट की तरफ और उसको फिक्स करते हैं कैसे इसको आपको अपनी बाइसाइकिल के सीट के नीचे लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लिप जो हमें उस LED के साथ मिलता है, आपको कुछ इस तरीके से अपने बाइसाइकिल की सीट के नीचे इसको लगा लेना है। मैं इसको फटाफट से फिक्स करके दिखाता हूँ आपको इसको कैसे फिक्स करना है। बहुत सिंपल तरीका है, आप इस तरीके से इसको ले जाके और जहाँ अपने सीट के अकॉर्डिंग जहाँ भी ये फिक्स हो वहाँ पे आप इसको इजी फिक्स कर सकते हैं। और इसके बाद इस लाइट को कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको ऊपर से नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से स्लाइड कर देना है। और बहुत सिंपल है इसको लगाना, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल लगाने के बाद जो है इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं अपने सीट के अकॉर्डिंग, ताकि इसका रिफ्लेक्शन जो है नीचे की तरफ और पीछे आने वाले आदमी को, पीछे आने वाली गाड़ियों को इजीली दिखाई दे। बस इसके बाद आपको इसको ऑन कर देना है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि अभी ये जो बाइसिकल है स्टैंड पे लगी है, लेफ्ट साइड की तरफ है, इसलिए एरो लेफ्ट की तरफ है। और जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा मूव करूँगा राइट की तरफ, तो आप देख पाएंगे ये एरो का साइन जो है राइट की तरफ अपने आप होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही मैंने बाइसाइकिल को राइट साइड की तरफ टर्न किया, डाउन किया, वैसे ही यह राइट साइड की तरफ एरो शो करने लगा। इसमें जो मोशन सेंसर लगा है बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है वो, और जब आप बाइसाइकिल सीधे चलाएंगे तो कुछ इस तरीके के एनिमेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। पीछे से आने वाली जो भी व्हीकल्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा इंडिकेशन जो है मिलता रहेगा, और यह आपकी सेफ्टी के लिए भी सही है। अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है। मैंने इनको बाय किया था गियर बेस्ट वेबसाइट से। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो प्रायोरिटी लाइन शिपिंग का यूज़ कीजिए, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ आपको। कीमत की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोडक्ट लगभग आपको 600 से 700 रुपये में मिल जाते हैं, और अगर आप प्रायोरिटी लाइन शिपिंग का यूज़ करते हैं तो लगभग 2 हफ्ते में ये आपके दिए गए एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है, और इस पे कोई भी कस्टम चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बजट फ्रेंडली गैजेट के साथ।
तब तक के लिए देखते रहिए।